Today, under the subject English, we will discuss something about the article, which is definite article, the इसको the और the दोनों ही तरह से pronounce किया जाता है. पहले हम देखते हैं कि इसकी pronunciation क्या है. जैसे भी बताया था, the and the दोनों ही तरह से इसकी pronunciation होती है, लेकिन हमें देखना है कि the कब बोलते हैं और the इसको कब बोलते हैं. The इसको तब बोलते हैं जैसे कि एंड और एप्पल है, उससे पहले हम दी बोलेंगे इसको, दी एंड दी एप्पल, दी एरोप्लेन और कोई और बाकी सब. और तब वोवेल साउंड के अलावा अब किस पे आ जाता है, हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की. अब वोवेल साउंड के लिए तो दी था और कौन सा साउंड के लिए द होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन. नाउ हमें देखना है कि दी को या दा को किस तरह से प्रनाउंस किया, सॉरी यूज किया जाता है. तो फर्स्ट, बिफोर एनी नाउन व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक, एक ऐसी नाउन जब मीनिंग स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल, व्हेन द नाउन नेम्स द ओनली वन. और इसको ऐसा भी हो सकता है कि जब कहीं उसके साथ में भी, और ऐसा भी कभी कभी हो जाता है जहाँ पर वो मेंशन नहीं की जाती है. एज वी कैन से दैट एडम वॉज द फर्स्ट मैन, तो यहां पर हम कह सकते हैं द ओनली फर्स्ट. न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, इसमें एनी अदर सिटी जो है न्यूयॉर्क में वो लार्जेस्ट नहीं है, केवल वही है. आगे है वी लिव ऑन द अर्थ, हम धरती पर रहते हैं, यानी कि इस धरती का अर्थ है कि जिस अर्थ को हम जानते हैं. तो ये है कुछ यूज. इसके साथ आगे हम देख सकते हैं हैव यू हर्ड द न्यूज. इस द न्यूज का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक न्यूज, कोई एक करंट में चल रही है उस न्यूज के बारे में बात करते हैं. ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे, और द फॉरेस्ट का मतलब ये है कि वेयर इज द बाथरूम, इसका मतलब ये है कि हम उस जगह को, उस प्लेस को जो बाथरूम की बात कर रहे हैं उसको हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे हमें जाना है. टर्न लेफ्ट एंड गो टू द नंबर 45, तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक नंबर है कि 45 नंबर पे हमें जाना है. आर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द इटालियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर इटालियन रेस्टोरेंट है, इटालियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया. इसलिए हेलो सर जी, तो ये इटालियन रेस्टोरेंट, ये आई वोवेल है तो दी इटालियन रेस्टोरेंट बोलेंगे. हाँ, वो प्रोनंसिएशन में इसको दी बोलेंगे, दा तो नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे. ठीक है, दी इटालियन रेस्टोरेंट होगा. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज बनाने की. उसकी प्रोनंसिएशन तो आप अपने उससे समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स प्रोनंसिएशन की एक अलग चीज है, बट हम फिलहाल यूज इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो हम कह सकते हैं आर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द इटालियन रेस्टोरेंट, तो इटालियन रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया. माय फादर एंजॉयड द बुक यू गेव हिम, मेरे फादर ने उस बुक को एंजॉय किया जो आपने दी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वो वाली बुक होगी जो आपने दी. ओके, नेक्स्ट, इसको हम दूसरी तरह से यदि बोलते कोई और सेंटेंस होता, माय फादर इज रीडिंग अ बुक, कोई सी भी एक बुक को पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन इसमें द बुक लगा दिया, यानी कि वो वाली दी. देखते हैं इसको हम और कहाँ पर प्रयोग करते हैं, बिफोर सिंगुलर नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये सिंगुलर नाउन के साथ में प्रयोग होता है, प्लूरल के भी, लेकिन प्लूरल में हम कह सकते हैं कि प्लूरल में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये प्रयोग किया जा सकता है. आगे देखते हैं, बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सेलेशियल बॉडीज, कोई यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, या सेलेशियल या हेवनली बॉडीज है, जैसे कि जियोग्राफिकल चीज़ें जो होती हैं, सन है, सोलर एक्लिप्स, वो घटनाएं भी, या मून है, प्लैनेट्स के किसी के नाम हो गए, ये सारी चीज़ों के नाम जो आएंगे सेलेशियल बॉडीज के, उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे. We live on the planet which is full of greenery. हम planet पर रहते हैं जो कि greenery से part of the universe. The sun is the nearest star to the earth. Sun earth के सबसे पास वाला star है. The moon is the light of the earth.
और द ल्यूनर एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो ये सारी चीजें क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई फिनोमिनन्स हैं, कोई घटनाएं हैं इस तरह की, जैसे कि ल्यूनर एक्लिप्स है, तो इन सब के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, द या दी जिसको हम कह सकते हैं। बिफोर अ नाउन विच इज मेड डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकंड बिफोर, यानी ऐसे नाउन के साथ में जिसको अभी थोड़ी ही देर पहले प्रयोग किया गया था और हमने अब उसको जब दोबारा से प्रयोग करेंगे तो वो ए या एन हो सकती थी इससे पहले, लेकिन बाद में वो द का प्रयोग होगा, यानी वो डेफिनेट बन जाती है। फर्स्ट टाइम में वो एक अननोन चीज रहती है, बाद में हमारे लिए नॉन या डेफिनेट चीज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, आई सो अ बॉय एंड अ गर्ल इन द गार्डन, हमने एक बाग में, यानी मैंने एक बाग में लड़का और लड़की देखे। अब यहाँ पे लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम इफ वी डिस्कस समथिंग अबाउट दीज, सो ये सारी चीजें हमारे लिए डेफिनेट हो जाएंगी। तो जो पहले आ या अ बॉय या अ गर्ल थे उसमें हम द बॉय और द गर्ल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, एक ऐसी नाउन जो कि एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करे, एंड इट मे बी बाय द रीजन ऑफ लोकेलिटी, ये लोकेलिटी के रीजन की वजह से हो सकता है। जैसे मदर इज किचन में है, किचन क्या वो जो चीज को पता है सभी, जो स्पीकर बात कर रहा है प्लीज पास द सोल्ट, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वो वाला सोल्ट जो हमारे आसपास रखा हुआ है, ही क्रॉस द रोड, उसने सड़क क्रॉस की, कौन सी रोड, जो स्पीकर को नॉन थी या स्पीकर के आसपास थी। आगे हम देखते हैं बिफोर अ नाउन विच इज मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज, एक ऐसी नाउन जिसको फ्रेज या क्लॉज के साथ में ऐड करके डेफिनेट बनाया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे द बॉय इन द गार्डन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम कह रहे हैं कि वो वाला लड़का जो गार्डन में है मेरा फ्रेंड है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली हमने एक बॉय की बात करके और उसको फ्रेज या क्लॉज में बना दिया है, जैसे कि बॉय जो बगीचे में है, लड़का जो बगीचे में है, यानी कि उसको हमने डेफिनेट कर दिया। हम ये भी कह सकते थे कि वो लड़का मेरा फ्रेंड है, दैट बॉय इज माई फ्रेंड, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो लड़का जो बगीचे में है, तो हम वहाँ पे जो कह रहे हैं कि वो लड़का शब्द है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए द का प्रयोग हमने कर देना है। आगे है द गर्ल इन द रेड फ्रॉक, लड़की इज वेरी नॉटी, द टीचर इन हिज हैंड, टीचर जिसके हाथ में किताब कर देंगे, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस, वह व्यक्ति जिसने इस किताब को लिखा फेमस है, क्रैश द रेड कार पार्क आउटसाइड, मैंने एक जो कि पार्क के बाहर थी बाहर उसको स्क्रैच किया, तो यहाँ पर एक लाल कार हमने पलटी। बिफोर द डेट्स एज ऑर्डिनल, कुछ ऐसी डेट्स जो होती हैं 1, 2, 3 ये जो डेट है लेकिन उसको हमने ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर दिया है, तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब हम उस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डिनल बना दिया उससे पहले द, जैसे ही वॉज बोर्न ऑन द 1st of January 2011 द का प्रयोग करना है, द 22nd April 2019 वॉज अ बैड डे फॉर मी, इस तरह से ये सारी चीजें हम दे। नेक्स्ट इज फॉर सुपरलेटिव्स एंड द ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट सेकंड लास्ट यूज्ड एज एडजेक्टिव, जैसे भी बताया था फर्स्ट सेकंड वाला, इसी के साथ साथ भी हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ और इसी के साथ ये सारे क्या चीजें हैं, इनको सुपरलेटिव का दर्जा दिया गया है और इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। The best, the last
और लास्ट कर दिया, कोई भी शब्द हो सकता है, उसको हमने ओरिजिनल के साथ पहले द का प्रयोग होगा, द फर्स्ट, द नेक्स्ट, द सेकंड, द प्रीवियस, फॉर्मर, शब्दों से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। आगे है बिफोर अ सिंगुलर नाउन, और वी कैन से कुछ जो रिप्रेजेंट करती हैं एक क्लास को और की हो सकती है किसी की भी, जैसे द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट, हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि केवल एक एलिफेंट, सभी एलिफेंट अर्थ पर सबसे बड़े जानवर हैं। फेथफुल एनिमल, डॉग यानी कुत्ता वफादार जानवर है, हम कह रहे हैं कि पूरी वो क्लास वफादार होते हैं। बिफोर द नेम ऑफ इनका नाम आता है तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम देख लेते हैं, जैसे कि हम कहने लगे आई बॉट अ मोबाइल, तो मैंने एक मोबाइल खरीदा, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम सिंगुलर हमने चीज नहीं बल्कि कोई भी एक खरीद लिया। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द सीज, रिवर्स और द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और डेजर्ट्स एंड रीजंस एक्सेट्रा, जैसे द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन दैट हैज इट्स नेम ऑन अ कंट्री, ओशन है वो एक सी का नाम है, इसमें हम द का प्रयोग करेंगे इससे पहले, साथ ही साथ रेड सी पहले द लगा देंगे और आल्प्स से पहले दी का प्रयोग करेंगे। द हिमालयाज हैज ए लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, द एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन आइलैंड, और एक चीज और हम देख ले, यदि एवरेस्ट का नाम जैसे आ रहा है तो एवरेस्ट जो कि माउंट एवरेस्ट हिमालयन की तरह से नहीं है, यानी कि हिमालय वो भी रेंज या चेन, लेकिन एवरेस्ट का नाम है द का के नाम बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, कुछ होली बुक्स हैं या पायस बुक्स जो कि हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द भारत, द रामायण, द कुरान, द जैन, द विस्ता और द होली, ये सारी चीजें हैं इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, फॉर द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ये तो है साथ, बिफोर द नेम्स ऑफ कंसिस्टेंस और द ग्रुप, जो कंबाइंड वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप के लिए जिसमें दो नाउन और ऑफ का प्रयोग होगा, जैसे बे एंड बंगाल के बीच में ऑफ बंगाल, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बीच ऑफ का प्रयोग हो रहा है तो यूनाइटेड से पहले द का प्रयोग होगा, रिपब्लिक एंड कॉन्गो ऑफ का प्रयोग है तो रिपब्लिक से पहले द का प्रयोग होगा, इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं जो नाउन के बीच में ऑफ है। बिफोर अ सरनेम, ताज, मौर्याज, गौतमाज, वर्माज, सरमाज, इस तरह से उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द व्हाइट हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस, राजमहल, द अल्का मोटेल, द ताज, द टाटाज और बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं उन सबके नाम से पहले। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं किसी रिलीजन, किसी कास्ट को या किसी रेस, एथनिक ग्रुप या कम्युनिटीज का नाम हम प्रयोग कर रहे हैं तब भी हम उन नामों से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सिख्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स एक्सेट्रा। कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, यूनिसेफ,
IMF, ICI, इनसे पहले द का या दी का प्रयोग हम करेंगे। आगे है कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो केवल व्यक्ति बल्कि जैसे कि द प्रेसिडेंट, द डॉक्टर, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो ये सारे शब्द हैं इनके साथ करते हैं। आगे देखते हैं मेड एडजेक्टिव यूज ऑफ द डायरेक्शन, जगह जिनमें डायरेक्शन का साउथ पोल, वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, इन सब में द का प्रयोग होगा या दी का प्रयोग होगा। आगे है एक नाउन, जब उसको क्वालिफाई किया जाता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन में एक क्वालिटेटिव वर्ड या एडजेक्टिव वर्ड जोड़ दिया गया है, द का प्रयोग होगा। जैसे कि शेक्सपियर के नाम से पहले इमोर्टल शब्द इन्होंने प्रयोग कर लिया, तो द इमोर्टल, द इमोर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट, जो ग्रेट एडजेक्टिव है उससे पहले हम द का प्रयोग, या हम कह सकते हैं द ग्रेट अशोका भी कह सकते हैं, द लॉर्ड बुद्धा, इस तरह से ये शब्द हैं इनसे पहले द का प्रयोग होगा। जब कुछ कंट्रीज का नाम आए और वो कंट्री ग्रुप इंडिकेट करे या यूनाइटेड स्टेट्स में हो, कंडीशन में हो, वो स्टेट्स यहाँ पर कंडीशन है, या यूनाइटेड को, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिलीपींस, तो फिलीपींस है वो ग्रुप है, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड जिनमें ऑफ या फोर का प्रयोग होता है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको भी पहले बताया था, दो नाउन होगा तो भी, और साथ ही साथ फोर का प्रयोग होगा तो भी, जैसे द कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, हेडलैंड स्कूल फॉर डेफ, मॉडल सीनियर्स, मॉडल द डेफ और द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। है कि यहाँ पर इनका ओमिशन कहाँ पर होता है, इसलिए अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे कि किसी पर्सन का नाम आ जाता है, पर्टिकुलरली किसी पर्सन, तब हम उस नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई कॉल्ड अमन लास्ट नाइट, द अमन नहीं होगा, साथ ही साथ कोई और भी नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफ नाम दिए गए हैं, देन ऑल्सो वी आर नॉट सपोज टू यू इन द सेंटेंस। जैसे कि आयरन इज द मोस्ट यूज्ड मटीरियल, मोस्टली यूज्ड मटीरियल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, डायमंड कॉस्ट का हाई अमाउंट, तो ये आयरन, गोल्ड, डायमंड, कॉपर और बाकी सारे शब्द हो सकते हैं मटेरियल नाउंस के, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आता है तब भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉमन वे की यदि बात करते हैं तो माइंड कंट्रोल्स ऑल ऑफ आर एक्टिविटीज, one of the most precious parts of our body and hence have a great importance. As we are seeing, mind, eyes or hands, these are our parts of body. We are not doing this. Along with wearings and clothing, we are not doing this before. We are seeing another thing. When the name of a language comes, we are doing this. मदर, फादर, ब्रदर, अंकल एक्सेट्रा आते हैं, देन ऑल्सो हम वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स हैं जो
इनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है या कुछ एडवर्ब्स हैं उनका प्रयोग किया गया है उसके साथ में भी मोस्टली हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑल डे, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जो पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए बनी हुई होती हैं और वही उसको यूज कर रहे हैं तब भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे स्कूल या कॉलेज या हॉस्पिटल या कोर्ट, चर्च, यदि इसमें वही लोग जा रहे हैं जिनके लिए बनी है तो हम द का प्रयोग नहीं करें। जैसे स्कूल के लिए बच्चे जा रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल, गलत होगा, द का प्रयोग नहीं होगा, द स्टूडेंट्स आर गोइंग स्कूल। लेकिन मदर फादर जा रहे हैं तब हम द का प्रयोग करेंगे। जब टाइटल्स का नाम कंबाइंड हो, यानी नाम के साथ में टाइटल भी जुड़ा हुआ, जैसे कि प्रिंस, क्वीन या प्रेसिडेंट, और उस व्यक्ति का भी नाम है, तब हम उस टाइटल से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे प्रिंस चार्ल्स इज क्वीन एलिजाबेथ सन, जैसे पहले आपको बताया था, यदि ये टाइटल आते हैं तब तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन टाइटल के साथ में उनका नाम भी आ गया है तब नहीं। जैसे देखिएगा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस और चार्ल्स दोनों आ गए यहाँ पे। यदि हम पहले वाली बात करते रूल की तो द लगना चाहिए था प्रिंस में, लेकिन क्योंकि नाम भी दे दिया चार्ल्स तब नहीं लगेगा। इस तरह से क्वीन होता केवल तब हम द का प्रयोग करते, लेकिन क्वीन के साथ में नाम भी दे दिया तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ पजेसिव नाउंस जब आते हैं, पजेसिव केसेस, तब भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हिज ब्रदर्स कार वाज स्टोलन, पीटर्स हाउस इज ओवर देयर, और गौरव्स कार इज न्यू, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ जो प्रोफेशंस जो होते हैं, व्यवसाय हैं, उनके साथ में भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग इज अ वेल पेड करियर, ही विल प्रोबेबली स्टडी मेडिसिन, डू नॉट यूज द विद द नेम ऑफ द शॉप। अब आगे हम देखते हैं कि जब शॉप्स का नाम आए तब भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई विल गेट द कार्ड एट स्मिथ, स्मिथ का मतलब यहाँ पे दुकान का नाम है किसी का, और कैन यू गो टू बूट्स फॉर मी, बूट्स यहाँ पर है शॉप का नाम है जहाँ पे शूज वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। और ईयर्स के नाम आएंगे तब भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने बताया था 1, 2, 3 को ऑर्डिनल में प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, तब तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वो 1948, 1946, 2010, 12, 13 जो भी है इस तरह के आते हैं तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल द हेयर। किसी की कोई क्वेरी है